हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैमिली में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य श्रृंखला भाग 88 के बारे में, ठीक है। और आप जानते हैं कि जिस श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्याएं की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य श्रृंखला भाग 88 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो सबसे पहले आप लोगों का जीवाश्मी ईंधन होना क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीवाश्मी ईंधन वो होता है जो पृथ्वी के निर्माण के समय उसके अंदर जो चीज़ें दब गई, जैसे कि पेड़ पौधे जब दब गए तो उनसे जो ईंधनों का निर्माण हुआ, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके जीवाश्मी ईंधनों से के रूप में होते हैं। तो इसमें जो उसका जो सबसे चरम स्रोत जो है ऊर्जा का, जो किससे वो बनता है, जो सब ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है, वो होता है आपका, तो होता है आपका सूर्य, ठीक है। तो सूर्य जो है देखेंगे कि उससे जो ऊर्जा मिलती है वो जीवाश्मी ईंधनों का चरम स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, ठीक है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट में निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो देखेंगे कि जो अधूरे प्रज्वलन के कारण जो मोटर कार सिगरेट से निकलने वाली गैस है, रंगहीन गैस है, वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आप देखेंगे कि कैंसर का कारण बनती है और ये मनुष्य को सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैस है, ठीक है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर ये फेफड़े में जमकर वहाँ पर कैंसर का भी कारण बन सकती है यह गैस, ठीक है। तो ये इस चीज़ को नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः, यानी कि प्रदूषण के बारे में ऑप्शन में दिया, तो कौन सा प्रदूषण फैलता है नाभिकीय ऊर्जा से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऊष्मा निकलती है तो उसमें प्रदूषण होगा, ठीक है। तो उसमें प्रदूषण यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, सन पूछा जा रहा है 1987 में, 1995 में, 1998 में, 1992 में। तो वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड को हम लोग कहते हैं NABE, ठीक है, NABE इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना किया गया था 1992 में, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? बहू बेगम का मकबरा, लोगों नाम भी किस किस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो बहू बेगम का मकबरा आपका फैजाबाद में है, वर्तमान में इसको अयोध्या कर दिया गया है। तो फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा, जानते हैं बहू बेगम कौन है? शुजाउद्दौला की पत्नी का नाम, लखनऊ के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला की पत्नी का नाम था कि पत्नी का नाम था बेगम, इनका नाम बहुत बड़ा है, बेगम उन्मातूज, उन्मा बेगम उन्मातूज जोहरा बानो, जोहरा बानो ये इनका नाम है, ठीक है। तो इनको जहाँ दफनाया गया, जहाँ पर इनका मकबरा बनाया गया, उसी को बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में, ठीक है। तब लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन हिंदी रंगमंच से संबंधित है? किससे संबंधित है? हिंदी रंगमंच से कौन संबंधित है? मास्टर फिदा हुसैन नारसी, उस्ताद विलायत खां, सितारा देवी या जतिन भट्टाचार्य?
ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी रंगमंच से कौन संबंधित है, आप देखेंगे कि मास्टर फिदा हुसैन नारसी। ठीक है, तो ये आपके हिंदी रंगमंच से संबंधित है। तो आप लोग इनके बारे में बता देते हैं कौन किससे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद विलायत खां, आप देखेंगे उस्ताद विलायत खां आप संबंधित है सितार से। ठीक है, सितारा देवी संबंधित है कथक से, कथक से। और जतिन भट्टाचार्य संबंधित है, आप देखेंगे कि सरोद वादक से, सरोद से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है चमड़े के सामान के लिए, प्लाईवुड के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, कागज़ और लुगदी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, देखेंगे कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए, चमड़े के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है, कानपुर है, कानपुर। प्लाईवुड के लिए आप देखेंगे कि नजीमाबाद है, नजीबाबाद। ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है। इस तरह से प्रश्न आप देखेंगे कि यूपी आर ए आर ए में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कागज़ और लुगदी के लिए देखेंगे कि सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, सहारनपुर में, वाराणसी में, या लखनऊ में, या इलाहाबाद में। ठीक है, तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना देखेंगे कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई थी, जिसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है। और कौन सी हुई थी, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किया गया था। कौन सी, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पहला दुग्ध सहकारी समिति थी। ठीक है, तो इससे आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्न में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का अध्यक्ष है, या भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि अनुच्छेद जो है 315(4) के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 315(4) है, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स को बेहतरीन रूप से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है, सॉरी यहाँ पर है हो गया थी होना चाहिए, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यहाँ भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, शीला दीक्षित, रोज बैथ्यू, वीणा मजुमदार, या मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो अब लोग देखिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न अलग से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से कि कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, महिला प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ बताइए कि संघ लोक सेवा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो रोज बैथ्यू थी। ठीक है, तो रोज बैथ्यू रह चुकी हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट डाउन करिए, और एक चीज़ यहाँ पर ये लिख लीजिए कब से कब थी, 1992 से 1996 इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति, कौन से समिति के बारे में पूछा गया, पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। पीसी होता समिति का गठन देखेंगे कि 2004 में किया गया था। देखिए कि इसका गठन कब हुआ था और इसने रिपोर्ट अपनी कब दी थी। तो इस समिति का गठन हुआ था 3 फरवरी 2004, 3 फरवरी 2004 को इसने गठन हुआ था और रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रिपोर्ट दिया था 30 जुलाई 2004, रिपोर्ट 30 जुलाई
2004 को दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 21 जून, 21 मई, 21 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि नागरिक सेवा दिवस अब कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था, इससे प्रश्न बनते हैं और आप नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन के बारे में बात किया जा रहा है, तो कब हुआ था? 1931, तो सबको याद रहता है कि 1931 में हुआ है। ठीक है, लेकिन डेट पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को डेट याद रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता के समय उनको दो महात्मा की बैठक कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने उन्हें गांधी इरविन समझौते को दो महात्मा कहा था, गांधी तथा इरविन को, और यह समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी का पराकाष्ठा माना है? किसने कौन से अधिवेशन को? कराची अधिवेशन 1931 का, और 1931 में देखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और उसी समझौते को सरोजिनी नायडू ने, आप देखेंगे कि गांधी तथा इरविन को दो महात्मा भी बोला है, तो उसी अधिवेशन में आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन को महात्मा गांधी के लोकप्रियता का पराकाष्ठा भी माना है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे, घटनाओं को समझते रहेंगे, तो आप लोगों का नोट्स बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। तो यह प्रश्न जो था आपके इस सेशन का आखिरी प्रश्न था, तो इन जो श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि इन जो श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्याएं की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। और इस जो श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण योगदान आप देखेंगे कि जिसमें भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे अभी आप देखेंगे कि एसएससी जीडी है, फिर यूपी पुलिस है, ठीक है, इन सारे में इनका काम आज महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और आप देखेंगे कि यूपी आर ओ 2024, इन दो एग्जाम्स में इन जी श्रृंखलाओं को सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के संदर्भ जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।